बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टेक्निकल ख्वाजा यूट्यूब चैनल पर एक मरतबा फिर खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप फूड पैंडा एप्लीकेशन के ऊपर अपने आप को किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों करना क्या, सिंपली आपने फूड पैंडा की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से अपने मोबाइल के ऊपर कर लेनी है इंस्टॉल। तो मैंने इस वक्त अपने प्ले स्टोर के ऊपर फूड पैंडा एप्लीकेशन जो है वो सर्च की हुई है और मैं इंस्टॉल के बटन पे कर देता हूँ क्लिक। आपने भी इसको अपने मोबाइल के ऊपर कर लेना है इंस्टॉल। तो थोड़ा सा टाइम लेगी, लें जी एप्लीकेशन मेरे मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल हो चुकी है, इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। तो दोस्तों जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगी, अलाउ लोकेशन एक्सेस, एंटर माय लोकेशन। यानी अगर आप इसको अलाउ कर देंगे लोकेशन का तो आप जहाँ पे भी होंगे ये आपकी लोकेशन को एक्सेस कर लेगा। अगर आपने लोकेशन मैनुअली एंटर करेंगे तो ये आपकी उसी लोकेशन को ही हमेशा ट्रैक करेगा। तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ अलाउ लोकेशन एक्सेस, तो ये मैं इसको एक्सेस दे देता हूँ तो ये मेरी लोकेशन को ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। तो यहाँ पे दोस्तों मेरी करंट लोकेशन इसने पिक कर ली है। उसके बाद यहाँ पे आपको मेन्यू का बटन मिल जाएगा, इस पर आप कर देंगे क्लिक और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी लॉगिन क्रिएट अकाउंट। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप इसको जो है गूगल के अंदर आपका जो जीमेल अकाउंट आ रहा है उसके थ्रू भी आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू भी इसको लॉगिन कर सकते हैं, या कंटिन्यू विद ईमेल एड्रेस, यानी आप कोई और ईमेल एड्रेस देना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोस्तों इसको करता हूँ कंटिन्यू विद गूगल, जो मेरा अकाउंट गूगल पे दिया हुआ है उसी के साथ मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे मेरे मोबाइल के अंदर जितने भी जीमेल लॉगिन्स हैं उसकी डिटेल्स मुझे दे दी है, तो मैं इनमें से एक लॉगिन जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों आपने अपने मोबाइल की वेरिफिकेशन देनी है, तो यहाँ पर मैं देंगे अपना नंबर, आपने भी अपना नंबर एंटर कर देना है। जी तो फ्रेंड्स अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर चुका हूँ। तो ऊपर आपको बटन मिल जाएगा कंटिन्यू का, तो इस पर आपने कर देना है क्लिक। नीचे भी आपको बटन मिल जाता है कंटिन्यू का, आप चाहें तो ऊपर क्लिक कर दें, आप चाहें तो नीचे क्लिक कर दें। तो कंटिन्यू के बटन पे मैंने कर दिया है क्लिक। तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके उसी नंबर के ऊपर जो नंबर आपने यहाँ पे एंटर किया था। तो कोड मुझे रिसीव हो चुका है 5744। तो यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ 5744। कोड वेरीफाई होने के बाद मेरा नंबर वेरीफाई हो चुका है और मेरा अकाउंट जो है वो फूड पैंडा के ऊपर क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मोहम्मद इस्माइल मेरा नाम, जो मेरे ईमेल एड्रेस के अंदर नाम दिया हुआ था उस नाम को इसने पिक कर लिया। तो इस तरह दोस्तों मेरे फूड पैंडा के ऊपर जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। मजीद आप प्रोफाइल में जाकर इसकी सेटिंग्स भी अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी फूड पैंडा के ऊपर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अपने आपको रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप लोगों की तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।